नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज़ में। देखिए, आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट के सामने। आपको बता दें, आज यहाँ पर किसानों द्वारा महापंचायत की जा रही है। जो क्षेत्र के किसान हैं और जितने भी किसान संगठन हैं, सब मिलकर एक यहाँ पर महापंचायत करने के लिए आए हैं तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है किसानों का जनसैलाब यहाँ उमड़ रहा है। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है जो पिछले 6 महीने तक यहाँ धरना दे रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मांगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? योगराज है मेरा नाम। देखिए, आप किसान हैं सबसे पहले तो ये बात। हाँ जी, किसान हैं हम। देखिए, महापंचायत आज हो रही है, सभी संगठन साथ हैं यार। आप जो है पिछले 6 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखा जाए तो आप इधर हैं और महापंचायत उधर हो रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? आप इधर क्यों हैं? हम किसान हैं, हमारी मांगे जायज हैं बिल्कुल। और हमारा 6 महीने से धरना चल रहा है और ये लोग अपना अलग कर रहे हैं, 8-10 संगठन जुड़ के, वो इनका अलग मैटर है जो भी है। हाँ देखिए, कहा जा रहा है सभी किसान नेता साथ आए हैं, सभी किसान साथ आए हैं, मांगे सबकी है, लेकिन फिर आप अलग क्यों? सब किसान नहीं है। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रम भाटी है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन का। 7 जून से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया जी के नेतृत्व में अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है, जो प्राधिकरण ने हमारी जमीन अधिग्रहण करने के एवज में 10% आवासीय भूखंड देने की जो शर्त थी वो नहीं दिया आज तक, हमें 35 साल हो गए हैं। 64.7 बढ़ा हुआ मुआवजा जो कोर्ट से पास है, सुप्रीम कोर्ट से पास है, वो नहीं दिया है। और 40% हमारा जो स्थानीय रोजगारों में हमारा जो है युवाओं को रोजगार चाहिए, 17.5 हमारा स्कूलों में कोटा चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अन्य हमारी विभिन्न मांगे हैं, जैसे कि बहुत गांवों में शमशान घाट नहीं है, उनको लेकर भी। देखिए, किसान मसीहा कहा जा रहा है राकेश टिकैत को, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको, आप शामिल नहीं हैं महापंचायत में, क्यों ऐसा? नहीं, उनकी अलग विचारधारा है। क्या विचारधारा अलग है आपसे? उनकी अलग विचारधारा है, उनका अलग संगठन है, वो किस विचारधारा से काम करते हैं तो वही बता पाएंगे, हम अपने संगठन के बारे में ही तो बताएंगे। देश का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम वर्मा जी हैं, राष्ट्र प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी हैं, हम किसी दूसरे संगठन की योजना के बारे में नहीं बता सकते। तो आपका जो मांगे हैं, आपको नहीं लगता कि वो संगठन पूरी करवाएगा जहाँ हमारे पंचायत में, जिसलिए आप अलग बैठे हैं? हमारी मांगे, हम तो 6 महीने से बैठे हैं, वो अभी तो आए हैं, आज ही आए हैं वो, और यहाँ पे हम 6 महीने, हम तो अनिश्चितकालीन के लिए। उन्होंने जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पूर्व में भी उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किए हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गांधीवादी तरीक़े से जो है अपना संगठन चलाते हैं। रही बात हमारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 3-4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लखनऊ स्तर पर भी हमारी एक वार्ता हो चुकी है जो कि विफल रही है। प्राधिकरण कहता है कुछ समय दो, ठीक है, हमने समय दे दिया 1-2 महीने, आप हमारा काम करिए, हम बैठे हैं यहीं पे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम घर नहीं लौटेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी किसान हमारे साथ मौजूद है। देखिए, कुछ संगठन है जो एक साथ संयुक्त मिलके आए हैं आज महापंचायत में। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ संगठन जो अलग बैठ के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है जो विचारधारा है महापंचायत की, उनसे उनका मेल भाव नहीं खा पा रहा है, इसलिए वो यहाँ अलग ही बैठे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने से यहाँ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वो हिंसा के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, शांतिपूर्ण वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं टेक।